भगवान कहे जाने वाले फर्जी डॉक्टर आजकल भ्रष्टाचार की अपनी सारी सीमाएं लांघ गए हैं। हद तो तब हो गई जब एक फर्जी डॉक्टर ने एक महिला का फर्जी ऑपरेशन कर डाला। दरअसल मामला कानपुर देहात का है, जहां एक महिला का बीते कई माह से यूटीआई इन्फेक्शन का इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। कई अल्ट्रासाउंड करवाए, सभी जगह सिर्फ यूटीआई इन्फेक्शन ही बताया गया। वहां से ठीक होने के बाद अपने घर रूरा आ गई। कुछ दिन बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और बेहोश हो गई, जिससे परिवार वाले अकबरपुर स्थित अनंतराज हॉस्पिटल ले गए। लगभग एक सप्ताह इलाज के बाद डॉक्टर अमित कटारिया द्वारा बताया गया कि उनके 13 mm की पथरी है। दूसरे दिन ऑपरेशन किया गया तो एक मोहरम का पत्थर पकड़ा दिया गया, जिसे देखकर डॉक्टरों की टीम भी सोच में पड़ गई। ऑपरेशन करने के बाद एक सप्ताह इलाज चला, लेकिन तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। तभी डॉक्टर अमित कटारिया द्वारा दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया गया, फिर वही पथरी पाई गई। अब सवाल उठता है कि आखिर यदि पथरी पेट में है तो पेट से निकाल कर क्या दे दिया गया। वहीं महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सोमवार को डॉक्टरों की 4 सदस्यीय टीम ने बीमार महिला को 4 घंटे बैठाने के बाद बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों की माने तो इससे पहले भी बच्चा चोरी जैसे कई गंभीर आरोपों के घेरे में रह चुका है अनंतराज हॉस्पिटल, लेकिन अधिकारियों की साठ गांठ और ऊंचे रसूख के चलते हमेशा क्लीन चिट दे दी जाती है। आरोपों के मामले में तो PhD कर रखी है अनंतराज हॉस्पिटल ने, और अधिकारी फिर भी मेहरबान है। अब देखने वाली बात होगी कि इस महिला को इंसाफ मिलता है या इंसाफ मिलने के लिए यूं ही चक्कर लगाती रहेगी। इस संबंध में बताया गया कि महिला के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जांच जारी है, दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। आज कहाँ पे आई हैं आप? श्यामा ऑफिस माती। अच्छा, किस बात को लेकर आप आई हैं? एक डेढ़ महीना पहले मेरा अनंतराज में ऑपरेशन हुआ था, पथरी को लेकर। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? पथरी का। फिर क्या हुआ उसमें? पथरी का ऑपरेशन हुआ और एक हफ्ते बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर दोबारा ऑपरेशन में पथरी बता रहे हैं। अच्छा, मतलब कि अनंतराज में ऑपरेशन होने के बाद पथरी निकाल ली गई, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। जब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो पथरी फिर पाई गई। क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है ये? डॉक्टर की लापरवाही है। अच्छा, अभी तक आपने कहाँ कहाँ अनंतराज के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है? मैंने SP को दिया, CMO को दिया, जितने उच्च अधिकारी हैं मैंने सबको दिया। आज यहाँ पर जो बुलाया गया है, जो एक कमेटी ने आपसे पूछताछ करी, क्या पूछताछ करी है? यही जांच के लिए आदेश किए हैं और सारी जांचें देखी हैं और क्या है, जो भी होगा हम कार्रवाई। कार्रवाई कब तक, उन्होंने बोला कब तक करेंगे? ये नहीं कहा, आश्वासन दिया बस। पथरी को लेकर क्या पूरा मामला, उसमें क्या कार्रवाई की गई? अभी मैंने जो इनके पुराने अल्ट्रासाउंड थे उनको देखा है, जो ये पथरी लेके आई उसको भी चेक किया है। अभी हमारी जांच चल रही, पूरी जांच नहीं हुई है। जांच जब हमारी पूरी हो जाएगी हम आपको अवगत करा देंगे। अच्छा सर, जनपद में कई ऐसे झोला छाप क्लिनिक अस्पताल चल रहे हैं जिसपे की कई खबरें प्रकाशन होने के बावजूद भी आश्वासन दिया जाता है कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती, क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर SL वर्मा इसी का नोडल हूँ, झोला छाप नर्सिंग होम का। आपको याद होना चाहिए कि मैंने 5 जून को ज्वाइन किया था, जिसमें से 6 नर्सिंग होम जिसमें मैंने कार्रवाई की है वो टोटल बंद हो गए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नष्ट कर दिए गए हैं। जो अभी इस तरह के मिल रहे हैं मैं तो उन पर कार्रवाई कर रहा हूँ, सील भी किए हैं। अभी आपको रजावत वाला भी मैटर मालूम हो, वो हम लोगों ने इसमें जाँच की थी, सील की थी, और इसको भी मैं जाँच अभी कर रहा हूँ। जैसी मेरी पूरी जाँच होगी मैं आपको अवगत कराऊँगा। सर, रजावत हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड ही बंद करने के आदेश हुए, बाकी हॉस्पिटल जो चल रहा है मानक के अनुसार नहीं? वो आप उसके इंचार्ज वो हैं डॉक्टर खान, उनसे पूछ सकते हैं।